नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है आपका 9वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट के यहाँ पर 115 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान की प्रमुख कृषि यहाँ पर संप्रदा, कृषि संपदा और यहाँ पर भूमि आपकी कंप्लीट होने वाली है। यानी कि ये 9वें नंबर का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका जो कोर्स दे रखा है, आपका जो सिलेबस दे रखा है यहां पर, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर दे रखा है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर दे रखे हैं, राजस्थान की मृदा एवं कृषि। तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके एग्जाम में 100% यहां से दो क्वेश्चन आने वाले हैं पूरी तरह से। अगर आप 115 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में यहां पर दो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे सामाजिक अध्ययन में। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि वो कॉन्सेप्ट यहां पर कि ये जो आज होने वाले हैं, जहां कौन कौन सी सब्जेक्ट और कौन कौन सी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से आए हुए क्वेश्चन है, जो कि अक्सर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है कि आपके जो क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों यहां पर। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा राजस्थान बोर्ड RVSE 12वीं, यहां पर कक्षा 12वीं भूगोल का अध्याय 18वें नंबर का है कृषि। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर, इसमें इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है 115। देखिएगा 11वें नंबर का है यहां पर, ये 9वां अध्याय यहां पर कक्षा 11वीं का है दोस्तों। यहां पर भारत का भूगोल, यहां पर भारत की मृदा मिट्टी, और यहां पर देखिएगा कक्षा 10 का अध्याय राजस्थान अध्ययन खेती एवं विकास, उसमें से भी क्वेश्चन यहां से लाए गए है। इसमें देखिएगा यानी कि कक्षा 9 का अध्याय आपको मिलेगा, कक्षा 8 के क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, कक्षा 7 के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे और कक्षा 6 के क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो तैयार हो जाएगा, सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों को क्रैक करेंगे जो 2021 एग्जाम में पूछे गए, 2018 में पूछे गए, 15 में पूछे गए, 12 में पूछे गए और 11 में पूछे गए थे इस कॉन्सेप्ट से संबंधित दोस्तों यहां पर। और आज मैं एक बहुत बड़े धमाका आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहां पर। देखिएगा पहले इन 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ऑफर क्या है आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर, यह क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, बताना होगा। 2021 रेट में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। तो अगर आप सही करके आए हो तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है कौन चूहा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, बताना होगा। ये यहां पर 2018 में आपसे पूछा गया था रीट में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है, बताइएगा, रीट 2015 में पूछा गया यहां पर मृदा एवं कृषि से, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, पौधा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही है, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2015 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु में कारक है, हर मृदा सबसे गहराई वाले भागों में पाई जाती है, यानी कि कौन सा गलत कथन है वो आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो देखिएगा जो यहां पर बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि यही ऑप्शन यहां पर गलत होगा, क्योंकि जो हम्स जो मृदा है वो मिट्टी के ऊपरी भाग को कहा जाता है, जिसमें उर्वरता की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसको यहां पर इस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है, रिट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर बताएगा,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2012 रिट में पूछा गया क्वेश्चन है, अपक्षय एवं अपरदन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं, बताइएगा अपघटन, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन या फिर जलीकरण। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाच्छादन, क्योंकि ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर और ये पूछा गया था 2012 में। 2011 की क्वेश्चन देख लीजिएगा यहां पर, यानी कि सिंदरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रिट परीक्षा 2011 में आपसे पूछा गया था। तो ये कृषि से संबंधित है ये क्वेश्चन, कैसे है देखिएगा, ये है रासायनिक उर्वरकों के लिए ये कारखाना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले है, रीट परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, बताएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा और बारा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश से टच में जो जिले है राजस्थान के वो कोटा और बारा, इसी में इन जिलों में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यहां पर दो एग्जामों की तैयारी करनी पड़ेगी इसी यहां पर इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर आपके लिए 10,000-15,000 क्वेश्चन में देने वाला हूं दोस्तों यहां पर, आपके अपने ऐप यहां पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से जो आपका ऐप है, इस ऐप पर दोस्तों यहां पर मैं आज रात में डालने वाला हूं, लगभग 1000 क्वेश्चन में आज रात में डालने वाला हूं दोस्तों यहां पर, जो भी आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान में अब तक किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर ने, कोई भी जिन्होंने क्लास लॉन्च की है, जिन्होंने ऐप लॉन्च किया है, जिन्होंने कोर्स लॉन्च किया है, इस तरह की टेस्ट सीरीज आपको नहीं दी होगी दोस्तों यहां पर, मैं आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज दूंगा यहां पर, और मात्र आपकी जो रेट होगी वो सर्वर का प्राइस होगा मात्र 99 रुपए में दोस्तों यहां पर। अभी आप लोगों के लिए जो भी है, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा दोस्तों यहां पर और देखिएगा आज की रात में मैं यहां पर इन कॉन्सेप्ट को डालने वाला हूं यहां पर, जो कॉन्सेप्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के जिले एवं संभाग, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की नदियां, राजस्थान के प्रमुख झील बांध, राजस्थान में सिंचाई नदी घाटी परियोजना, राजस्थान के प्रमुख कृषि एवं संप्रदाय, यानी कि 9 कॉन्सेप्ट के 1000 क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास, जो कि मैं ऐप पर आज यहां पर टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आपके लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिएगा, यहां पर नीचे लिंक दे रखी है, यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको यहां पर टारगेट करनी है, रिट पात्रता परीक्षा क्लियर करनी है, और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर लगेगा वो भी आपका क्लियर करना होगा, यानी कि एक तीर से आपके दो शिकार होने वाले हैं यहां पर। तो आप देखिएगा दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है नीचे बटन दे रखा है लाइक कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, जो बने हुए हैं बहुत दिनों से बने हुए तैयारी कर रहे हैं, और देखिएगा ये हमारे जो ऐप का लोगो है वो इस तरह का है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है दोस्तों यहां पर, सत्यमेव जयते मेरा भारत महान, ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक यहां पर नीचे आपको दे रखी है दोस्तों यहां पर, और चाहे आप हमें यहां पर जो नंबर है वो भी आपको मैं देना चाहूंगा दोस्तों यहां पर, वीडियो के अंत में मेरा नंबर है वो आप यहां से भी आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों यहां पर। यहां पर आपको रीट से संबंधित सामाजिक अध्ययन और शिक्षा शास्त्र से संबंधित काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन मैं आपको डालने वाला हूं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यानी कि 700 क्वेश्चन से अधिक शिक्षा शास्त्र के है, 1000 क्वेश्चन अभी मैं आज डालने वाला हूं, और टेस्ट सीरीजों के अलग क्वेश्चन है, यानी कि काफी 15,000 से 20,000 क्वेश्चन आपको मात्र और मात्र मिलने वाले 199 रुपए में। ऐसा पहली बार करने जा रहे हैं दोस्तों यहां पर, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। देखिएगा वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है, बताइएगा तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, उद्यान भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ग्रंथों में निम्न में से किसे माता कहा गया है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमि को माता कहा गया है भारतीय ग्रंथों में। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भूमि को बंजर भूमि में रखा जा सकता है, कौन सी भूमि को बंजर भूमि में रखा जा सकता है, बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, पर्वत की भूमि को भी रखा जाता है, पथरीली भूमि को भी रखा जाता है, दलदली भूमि को भी रखा जाता है, बंजर भूमि जहां पर कृषि नहीं की जा सकती है तो उसको बंजर भूमि कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खनन वन एवं पशु चारण किस क्षेत्र की विशेषता है, बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खनन किया जाता है, वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पशु चारण भी किया जा सकता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं, बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में वर्तमान में राजस्थान ट्रप एवं फब्बारा सिंचाई क्षेत्र कौन से स्थान पर है, बताइएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान पर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य प्रथम स्थान फब्बारा एवं ड्रप सिंचाई योजना में प्रथम स्थान रखता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सौर ऊर्जा में भी राजस्थान का प्रथम स्थान हासिल हो चुका है दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होती है वो राजस्थान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन में देश का यानी कि जो प्रथम राज्य वो तीसरा है, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का तीसरा यहां पर स्थान हो जाएगा खाद्य उत्पादन की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहां पर राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है, बताइएगा, आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ढेंचा, सनई और यहां पर लोमिया, जी हां आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर खाद प्रसंस्करण से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, बताना होगा कहां पर है। तो ये आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है, बताइएगा कहां उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में बूंदी जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, सूरजमुखी, तारामीरा, अलसी या फिर सरसों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये रीट परीक्षा में यानी कि दो बार क्वेश्चन, यानी कि 2018 में आपसे पूछ लिया गया, 2021 में पूछ लिया गया था, और 2011 की एग्जाम में जो कि जिले वाइज ली गई है, जिला परिषद विभाग ने ली थी रीट की, सेकंड पेपर जो आपका लगा था यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, उसमें यानी कि कहीं जिलों ने ये क्वेश्चन उसमें डाला गया था दोस्तों यहां पर। तो वो भी क्वेश्चन यहां पर आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं दोस्तों यहां पर, और पिछले क्वेश्चन भी कंप्लीट किया जा रहा है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की पुस्तकें भी यहां पर कंप्लीट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहां पर राजस्थान में वर्तमान में लहसुन की खेती लोकप्रिय हो रही है, बताना होगा किस संभाग में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती की जाती है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती की जाती है। अगर यहां पर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में भी सबसे ज्यादा यहां पर लहसुन की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश राज्य से सटा हुआ जो संभाग है वो कोटा संभाग हो जाएगा, जिसमें झालावाड़, बारा और कोटा में सबसे ज्यादा, और चित्तौड़गढ़, यानी कि सबसे ज्यादा इन जिलों में यहां पर यहां लहसुन की खेती की जाती है। अभी 90 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना है आज यहां पर तो बने रहिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाले जिले है, बताइएगा सही आंसर।
आंसर बताएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खेत में निराई का उद्देश्य होता है, बताएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फसल से खरपतवार को हटाना। जी हाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फल व सब्जियों के संरक्षण पर आधारित उद्योग केंद्रित है, बताएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, जयपुर और गंगानगर। जी हाँ दोस्तों इन जिलों में सबसे ज्यादा सब्जियां और फल पर आधारित उद्योग केंद्रित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा नाहौर, जैसलमेर, फतेहपुर सेकावाटी या फिर सूरतगढ़, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकावाटी। जी हाँ दोस्तों सेकावाटी अंचल में राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है, बताएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं की सबसे किस्म हो जाएगी 3765 हो जाएगी, जो कि अक्सर अपन लोग यहां पर खेती की जाती है, पूर्वी राजस्थान में की जाती है, गंगानगर में की जाती है, हनुमानगढ़ में की जाती है और कोटा संभाग में की जाती है। और अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं गेहूं उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, तो चीन पहले स्थान पर हो जाएगा। कितना उत्पादन करता है 132 मिलियन टन यहां पर इतना गेहूं उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आता है भारत, आता है दोस्तों यहां पर भारत लगभग और लगभग इतना ही करता है लगभग यहां पर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर केंद्रीय बीज फार्म स्थित है कहां पर है, बताएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ में हो जाएगा, ये केंद्रीय फार्म है, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अफीम के फल के बीजों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा डोडा कहा जाता है। जी हाँ ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, बताना होगा ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है यहां पर कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और भारत का राजकोट कहा जाता है, गुजरात के राजकोट को कहा जाता है, गुजरात का राजकोट कहा जाता है दोस्तों यहां पर क्योंकि उस जगह पर सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थित है, बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक विकार भूमि किस जिले में है, ऑप्शन आपके सामने है तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा बेकार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है, बताएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन का उत्पादन किया जाता है क्योंकि दलहन का जो पेड़ होता है उसकी जड़ों में यहां पर यानी कि जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए यानी कि उसमें बहुत ज्यादा यानी कि उर्वरक तत्व पाए जाते हैं तो इसलिए यहां पर दलहन की खेती की जाती है जहां की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई थी, बताना होगा कब की गई थी, आपका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल 2010 में ये योजना प्रारंभ की गई थी यहां पर राज्य सरकार ने की थी कि राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू हो, कब 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध है, बताना होगा पीला सोना किसे कहा जाता है तो पीला सोना कहा जाता है जोजोवा को कहा जाता है। ये जोजोवा की खेती कहां की जाती है, ये यहां पर जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा की जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर किस जिले में स्थित है, बताएगा
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी यहाँ पर राज्य सरकार ने भरतपुर, अलवर और करौली जिले को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए अलग से बजट में घोषणा की है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का जालौर जिला किस फसल के लिए प्रसिद्ध है बताएगा, मेथी, अजवाइन, धनिया या फिर इसबगोल, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसबगोल हो जाएगा। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो राजस्थान का राजकोट लून करणसर को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लून करणसर कहां पर है, ये हो जाएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि का बोया गया क्षेत्र किस जिले में स्थित है बताएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर श्रीगंगानगर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज को कंप्लीट कर लो। यहां पर अगर यहां पर सिंचित क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना गंगानगर हो जाएगा, और अगर आपसे सिंचित नहीं पूछता है तो आपका बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है कहां पर है बताएगा कि राज्य आपको बताया कि भारत में सबसे ज्यादा जो सरसों उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। अब राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है ये भी आपको याद करना होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है बताएगा, सातवां, पांचवा, नौवां या फिर ग्यारहवां, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत में राजस्थान का कृषि क्षेत्र में जो स्थान है वो नौवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताएगा, दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर पहला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, याद रख लेना ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में अफीम की खेती की जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक फल किस जिले में उत्पादन किए जाते हैं बताएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर श्री गंगानगर, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना आपसे ये स्थापना आपसे पूछ लेता है, और ये केंद्र आपसे भी पूछ लेता है कि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सेवर अनुसंधान केंद्र किसके लिए फेमस है, तो ये सरसों के लिए भरतपुर में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब तक जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं वो आपके कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 10वीं यानी कि तीनों बुकों के कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। यहाँ पर अभी भी यहां पर कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 और कक्षा 6 के प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों। यहां पर अभी यहां पर 67 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आपको क्रैक करना होगा। तब तक आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। यहां पर अगर कोई भी कमी रहती है, आपकी याद नहीं होते हैं, तो यहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज मैं उतारने वाला हूं। आज यहां पर मैं 9 कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज उतारने वाला हूं, पीछे मत रहना दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है जरूर लेना दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है। यहां पर आपके पता है सामाजिक अध्ययन में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पात्रता प्रमाण पत्र के लिए अगर आप कंप्लीट करते हो, इसको पास करते हो, इस पेपर को क्रैक करते हो, तो आप अगले एग्जाम के लिए फाइट करोगे, और अगले एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर, क्योंकि अभी से ही आपको दोनों पेपरों की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा चावल उत्पादक करने वाले राजस्थान के जिले आज आपको पता चल जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किए जाते हैं इन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में
मसालों के संग्रहण उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय स्थान रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा, झालावाड़ और बारा, तीनों जिले यहाँ पर यानी कि मसाला उत्पादन में अग्रणीय जिले है, अपना स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर अलवर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? बताइएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद या फिर जयपुर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जीरा किस जिले में उत्पादन होता है? अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जैसे याद रख लेना जीरा और जैसे याद रख लेना जालौर, तो जालौर जिले में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होती है, संतरा उत्पादन के लिए फेमस भारत का राज्य कौन सा है? ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, और मध्य प्रदेश से टच में कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पर सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्याज मंडी किस जिले में स्थित है? बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर जिले में प्याज मंडी हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किन्नू मंडी किस जिले में स्थित है? बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गंगानगर में किन्नू मंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? बताएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा जयपुर, जी हाँ दोस्तों दुर्गापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर यह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? बताएगा, यूएसए या फिर रूस या फिर ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और उसी की सहायता से ये चल रहा है। कहां पर है? श्री गंगानगर में सूरतगढ़ हो जाएगा, इसके अंतर्गत 12,000 हेक्टेयर भूमि यहां पर कृषि करने के लिए योग्य बनाई गई है और वहां पर कृषि की जाती है दोस्तों। यहां पर एक फार्म स्थापित किया गया, वैसे दो फार्म स्थापित किए गए हैं, सूरतगढ़ एक और है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में हो जाएगा सूरतगढ़ कृषि फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक तेल किसके बीजों से निकाला जाता है? बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अरंडी के बीजों से सबसे ज्यादा तेल उत्पादन किया जाता है, और ये यहां पर कहां पर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन होती है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा फसल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2013 को ये अधिनियम पारित करके लागू किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण भाषा में कपास को किस नाम से जाना जाता है? बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनिया के नाम से जाना जाता है इसको, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 53 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि और मृदा, मृदा तो कंप्लीट रह रही है दोस्तों यहां पर, अभी वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है यहां पर, क्योंकि कृषि और मृदा एक ही पहलू के दो सिक्के हैं दोस्तों यहां पर, दोनों ही कंप्लीट करना, एक ही कॉन्सेप्ट है, तब जाके आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान संस्था केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइलेज चारा किसकी हरी पत्तियों से बनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मक्का की पत्तियों से ये साइलेज चारा बनाया जाता है, और सबसे ज्यादा जो मक्का उत्पादन की जाती है वो कहां की जाती है? बताएगा, ये उदयपुर संभाग में की जाती है। अगला है देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उत्पादन की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये आपका
ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? बताइएगा किस फसल को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बताइएगा गेहूं, ज्वार, चावल या फिर चना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चावल की फसल के लिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेघा किस्म है, किसकी है बताइएगा? तो ये जो किस्म है वो मक्का की किस्म हो जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, तो बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष किस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही ये 6,000 रुपए दिए जाते हैं, साल में दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में राजस्थान किन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है बताएगा? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनिया, जीरा और मेथी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा धनिया बारा और कोटा में उत्पादन होता है, जीरा आपको पता है जालौर में उत्पादन होता है, और मेथी के लिए यानी कि नागौर जिला फेमस है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में ये स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुदीना के उत्पादन में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर टोंक। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फुदीना के उत्पादन के लिए नागौर जिला सबसे फेमस है। देखिएगा फुदीना और मेथी दोनों के उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चावल का उत्पादन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से 160 सेमी वाले क्षेत्रों में। अब आप बोलोगे कि गंगानगर में तो बरसात होती नहीं है, हनुमानगढ़ में तो कम बरसात होती है, 100 सेमी 160 सेमी बरसात नहीं होती है, तो यहां पर क्यों चावल की खेती की जाती है? भाई वहां पर नहर प्रणाली पाई गई है, इसलिए वहां पर नहरों से सिंचाई की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 से 160 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित निम्न फसलों में से सुमिलित करना है, कि यहां पर एक कृषि अनुसंधान संस्था स्थापित की गई है बांसवाड़ा में, तो वहां पर प्रयोगशाला स्थापित की गई है, उन प्रयोगशाला में किन फसलों का यानी कि जो उन पर अनुसंधान किया जाता है वो आपको पहचाना है, अंगूर, चावल, मक्का या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संस्था के द्वारा इसका कार्य क्या होता है? अंगूर की अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है, चावल की अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है, जो कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, वो यहां पर उत्पादन करने के लिए उनको अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैकेज प्रोग्राम का संबंध किससे है बताइएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पैकेज प्रोग्राम का जो संबंध हो जाएगा वो हरित क्रांति से हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो सूरजमुखी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये रबी की फसल में सूरजमुखी की खेती की जाती है। और रवि की जो फसल है वो कब की जाती है? ये सितंबर, अक्टूबर, जनवरी और फरवरी में ये फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के करौली जिले की जाने वाले पान की खेती स्थानीय रूप से क्या कहलाती है?
ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बजेड़ा के नाम से ये जानी जाती है। और देखिएगा यहाँ पर करौली जिले में मासलपुर, मासलपुर एक तहसील है करौली जिले की, उसमें सबसे ज्यादा पान की खेती की जाती है। और यहाँ से जो पान जाता है वो जयपुर, दिल्ली, गुजरात के लिए यहाँ पर निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अमेरिकन कपास बोई जाती है, कहां पर बोई जाती है अमेरिकन कपास बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास की खेती होती है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। अभी यहां पर 33 क्वेश्चन और बचे हुए, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहां पर। अभी तो आपको राजस्थान की मृदा एवं मिट्टी कंप्लीट करनी है दोस्तों यहां पर। अभी यहां पर देखिएगा राजस्थान की मृदा, जो कि यहाँ पर कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 और कक्षा 6-7 से उठाए गए क्वेश्चन है। मैंने आपको सब्जेक्ट वाई को जो पाठ अध्याय है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको देखने ये 33 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। टोटल यहाँ पर 115 क्वेश्चन आप क्रैक कर रहे हो यहाँ पर। और वीडियो के अंत में जरूर बताना, देखिएगा राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक बेकार भूमि के जिले में, तो बेकार भूमि वाला क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, अब बताएगा आपको याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखिएगा याद हो गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दलहन का उपयोग किया जाता है, दलहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बताएगा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ पाई जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो राजस्थान का पूर्वी भाग, उत्तरी जो भाग है केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर में कुछ स्थानों पर पाई जाती है। और देखिएगा चंबल, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, दौसा यहां पर, और जयपुर, और यहां पर सीकर, और इन जिलों में अलवर, इन जिलों में सबसे ज्यादा धौलपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आखिर जलोढ़ मिट्टी कहां से लाई जाती है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसके साथ यहां पर बहुत से यानी कि तत्व आके आते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आप सभी जानते हैं बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यहां पर काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदासीन मिट्टी का पीएच कितना होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा 7 होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। सॉरी यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है यहां पर। यस, वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में होता है, तो देखिएगा वो क्वेश्चन था यानी कि जो जल के द्वारा जो अपरदन होता है वो तो अपने धौलपुर, कोटा यानी कि कोटा संभाग में सबसे ज्यादा जल के द्वारा होता है, लेकिन वायु के द्वारा ये पूछा है, तो वायु के द्वारा पश्चिम क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहां पर हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे जिले जो पश्चिमी रेतीले मैदान में आते हैं, ये सारे यहां पर यानी कि वायु अपरदन से मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है बताइएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा, तो यहां पर देखिएगा जो गंगानगर से हनुमानगढ़ भूरी मिट्टी वाली है, गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी मिट्टी, ये यहां पर जोड़ा गलत है और बाकी जोड़े सही है। अब देखिएगा मिट्टी का क्षेत्र आप याद कर लो, 100% पूछा जाता है। और देखिएगा उदयपुर में पाई जाती है लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिएगा लाल और काली मिट्टी किस तरह से पाई जाती है, आपको पता है हाड़ौती का पठार यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, कोटा संभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर संभाग में यहां पर यानी कि
लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही प्रकार की मिट्टी यहाँ पर उपलब्ध होती है। और देखिए अलवर और जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। और देखिएगा कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊसर भूमि किसे कहते हैं बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊसर भूमि खारी व लवणीय भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, यह ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो वहां पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, भूरी पीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है, आलू की फसल, ज्वार, गाजर की फसल या फिर मटर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेलिया पानी से मिट्टी हो जाती है बताइएगा, क्षारीय, बंजर, उपजाऊ या फिर लवणीय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो अरावली के पश्चिम में, यानी कि जो अरावली है वो इस प्रकार है, राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। तो अरावली के जो पश्चिम में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर अगर पूरब की बात करें तो इधर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, काली भी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं वह कौन सी मिट्टी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी, बालुई दोमट मिट्टी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल लोमी मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती है। तो देखिएगा लाल लोमी मिट्टी, अभी आपको मैंने बताया था कि लाल मिट्टी उदयपुर संभाग में पाई जाती है, यहां पर उल्टा पूछा है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना जोधपुर संभाग में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है, जोधपुर संभाग में पीली मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है, दोमट यहां पर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी, जिसको यहां पर जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा संरक्षण कटाव रोका जा सकता है बताइएगा, कैसे रोका जा सकता है। तो देखिएगा इसको रोकने का तरीका एक है, पौधे लगाकर, वृक्षारोपण करके मृदा कटाव रोका जा सकता है, चाहे वो जल के कारण हो, चाहे मिट्टी वायु अपरदन के कारण हो, इसको केवल और केवल रोकने का जो उपाय है वो पौधे लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी खेत की टीवी के नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का अपरदन, खेत की टीवी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर, राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहां पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन करती है। अभी 14 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहां पर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा, एक बार चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहां पर थोड़ा 10 सेकेंड का समय ले रहा हूं आपसे, बस कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर इतना टाइम देने के लिए मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के दक्षिण भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक सेल है बताइएगा। दोमट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की सेलों से होता है। तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि ग्रेनाइट के छह से भी होता है, यहाँ क्वार्ट्जाइट से भी होता है, नीस की चट्टानों से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी में लोहे तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। तो यह मिलता है आपका लाल दोमट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना ये, अब देखिएगा
जो लोहा मिलता है ना वो पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। तो लाल मिट्टी भी आपको पता है जहां पर पर्वत होंगे वहां पर लाल मिट्टी होगी। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। तो उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है और इसमें लोहे तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली अधिक बोई जाती है। अब मैंने आपको बताया है कि बीकानेर जिले में राजकोट कहा जाता है, बीकानेर को, उलूणकरणसर को, तो वहां पर मूंगफली की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या बताया गया है, पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। तो ध्यान रखना, मिट्टी का पता आपको पता चल गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मूंगफली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, नमी को बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड की स्थापना की गई थी यहां पर, यानी कि मिट्टी की जांच के लिए अब जगह जगह प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है। तो यहां पर आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच निःशुल्क करवा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक है, किसकी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा के रंग का कारण बताइएगा। तो मृदा का जो रंग है वो किस प्रकार उपलब्ध होता है, बनता है? तो ये होता है खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ से। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयोग में ली जाती है? तो ये ले लिया जाती है आपकी गोबर व हरी खाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरी खाद के लिए तो ढेंचा, सनई, लोमिया, ये सारी ये चीज आ जाएगी, और गोबर की खाद आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी स्थित है, कहाँ पर है? तो ये है आपके कोटा में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाजरा, जी हाँ दोस्तों बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालरा झूमिंग कृषि से तात्पर्य है? तो इस कृषि से तात्पर्य है आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करना, इसको कहा जाता है बालरा झूमिंग कृषि कहा जाता है। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने के लिए अलग से कानून लाने वाली है, क्योंकि ये क्या करते हैं, झूमिंग और बालरा कृषि की जाती है वो वनों को काट के की जाती है। तो इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा हानि होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर झालावाड़ में गंगानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोनों जिले हैं वो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, टोटल प्रश्न आपने 115 क्रैक कर लिए है। अब बताइएगा कि 115 में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मिट्टियों के यहाँ पर 33 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर कृषि से संबंधित थे, यानी कि पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर जो भी अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहां पर पहली बार केवल वीडियो कंप्लीट नहीं होने से, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं दोस्तों यहां पर। और यहां पर देखिएगा, अब मैं आपको यहां पर अपना नंबर बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर जो भी अभ्यर्थी कॉन्टेक्ट करना चाहता है, यहां पर मात्र 99 रुपए में पूरे 15,000 से 20,000 क्वेश्चन ज्वाइन करना चाहता है टेस्ट सीरीजों के माध्यम से, वो यहां पर आपका ऐप नीचे दे रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों यहां पर। अभी मैं आपको अपना जो नंबर है वो मैं आपको दे देता हूं। ये आपका नंबर है 7976046540।
तो दोस्तों इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका अपना नंबर है। यहाँ पर ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार करना है। आपको यहाँ पर दो नंबर आपके दिए जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों नंबर पर आपको यहाँ पर पूरा सहायता की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप किस प्रकार से यहाँ पर मात्र 99 रुपये में, केवल हमारा मतलब ये नहीं है कि कोर्स बेचना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऐप बनवाया है दोस्तों। यहाँ पर केवल जो सर्वर है उसकी प्राइस हमने ये रखी है, आपको अभी तो और क्या क्या आने वाला है इसी प्राइस पर 99 रुपये में दोस्तों। यहाँ पर ये मौका है आपके पास, मात्र 99 रुपये से ज्यादा रुपए आपको पे नहीं करना है, केवल इतने रुपए में आपको कम से कम यहाँ पर मिलने वाले है यानी कि 10,000 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 20,000 से 25,000 क्वेश्चन रीट के लिए, और हो सके तो हिंदी शिक्षा शास्त्र और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा इसी ऐप पर दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, अब आपका बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है वो 23 और 24 जुलाई 2022 को लगने वाली है। आपके पास एक चैलेंज है यानी कि 120 दिन मान के चलो, 120 दिन में आपको कितने क्वेश्चन याद करने हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप ऐप खरीदना चाहते हो तो ऐप खरीदो, अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हो तो आपके यूट्यूब चैनल पर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपका, इसको भी आप देखते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपका होगा यहाँ पर यानी कि राजस्थान के यानी कि उद्योग, राजस्थान के उद्योग आपका कंप्लीट किया जाएगा नेक्स्ट, 10वें नंबर का वीडियो आएगा आपका। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ऐप जिसको डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर ऑनलाइन एक बार ऐप का यहाँ पर लोगो और देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जिस अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है, ये आपके अपने ऐप का जो लोगो है वो इस प्रकार का आपका लोगो मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर